सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी सही को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी से। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन से अर्निंग कर सकते हैं, वो भी blogger.com से। जी हाँ दोस्तों, blogger.com एक ऐसा वेबसाइट है, जेन्यून वेबसाइट है, ये फेक वेबसाइट नहीं है, ये गूगल का प्रोडक्ट है, ये गूगल का वेबसाइट है, सॉरी गूगल का मतलब गूगल ने इसको बनाया है blogger.com के नाम से। अगर आप इस पे अगर मतलब कुछ भी कंटेंट को लिखते हैं तो आप इस पे बेझिझक पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं पूरा प्रोसेस इसके बारे में तो ये वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखिएगा, आपको पूरा मेथड समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं बात कर रहा था ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, आप कैसे blogger.com से, आप जेन्यून वेबसाइट है ये, पूरा अच्छा वेबसाइट है ये, और इस पर आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको पता ही होगा, अगर आप ब्लॉगर है तो आपको पता ही होगा, पूरा पता होगा से ये blogger.com क्या है। अगर आप नहीं है, यूट्यूबर ब्लॉगर भी नहीं है, अगर आपको नहीं पता ये ब्लॉगिंग क्या होता है, blogger.com क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें वीडियो में अगर आपको कुछ भी परेशानी आती है तो इसके इसमें आप मतलब कमेंट कर दीजिएगा, तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा बड़ा 15-20 मिनट का, तो आपको उसमें पक्का समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा छोटा वीडियो बनाने की, तो आपको कोशिश करूँगा से आपको समझ में आए। अगर आप ये वीडियो से संतुष्ट है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मैं बता रहा था blogger.com के बारे में। तो दोस्तों ये blogger.com आप सपोज़ मान लीजिए ब्लॉगिंग है, ये एक तरह से ब्लॉगिंग है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, बैकग्राउंड साउंड की वजह से आप माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों मैं बता रहा था blogger.com के बारे में। अब blogger.com ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसपे आप खुद का मतलब टाइपिंग करके मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या फिर पीसी से या फिर कंप्यूटर किसी से भी आप टाइपिंग करके आप कुछ खुद का कंटेंट बनाइए इस पे, तो आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप किसी का वेबसाइट का कॉपीराइट मटेरियल अगर उठा के blogger.com पे डाल देते हैं तो आप इसमें पैसा बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। और इसके इससे आप अगर जानना चाहते हैं तो आप इससे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं YouTube में रिगार्डिंग blogger.com। blogger.com पे मैंने बहुत सारे वीडियोस वो सॉरी मैंने नहीं बहुत लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं blogger.com के बारे में, तो आप उसको देखिए और आप उसको सीखिए। अगर ये वीडियो से आप संतुष्ट नहीं है तो ये वीडियो से आप संतुष्ट है तो आप ये वीडियो देख के सीख लीजिए। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था blogger.com के बारे में। तो blogger.com एक ऐसा वेबसाइट है जिसपे आप पैसा एकदम आसान से आसान तरीका से आप पैसा कमा सकते हैं। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अगर आपका लिखने का शौक है तो आप blogger.com के लिए पैसा कमाने के लिए एकदम सही तरीके पे अभी है। तो आप ये वीडियो अच्छे देख रहे हैं, तो अगर आप ये blogger.com पे अगर आप खुद का पैसा कमाना चाहते हैं तो blogger.com गूगल पे सर्च कीजिए या फिर क्रोम पे, आप किसी पे भी सर्च कर सकते हैं। तो सर्च कीजिए www.blogger.com। जैसे ही आप blogger.com पे सर्च मारते हैं तो सबसे पहले आपको blogger.com की वेबसाइट खुल जाएगी। तुरंत आप blogger.com की वेबसाइट पे जाइए। blogger.com की वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर आप मतलब खुद का एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, सबसे पहले आपको ब्लॉग क्रिएट करना पड़ेगा। तो blogger.com पे जाके आप खुद का एक ब्लॉग क्रिएट कीजिए। आज जैसे ही आप ब्लॉग क्रिएट कर देते हैं तो उसमें आपको साइन इन करना होगा, एक खुद का ईमेल होना चाहिए पर्सनल, जिसपे आप मतलब खुद का मतलब हमेशा के लिए वो ईमेल आपका ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। किसी और का होगा तो आपको बहुत परेशानी होगी, और आपका खुद का होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो अब blogger.com एक ऐसा, जैसे ही आप कर लेते हैं blogger.com पे आ जाते हैं तो उस पर आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करना बहुत आसान है, 2 मिनट का भी खेल नहीं है, साइन इन करना बहुत आसान है। आपको इसमें ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, बस हो गया। ईमेल आईडी आपको खुद का डालना है, पासवर्ड भी आपको मनपसंद कुछ भी आप डाल सकते हैं। ईमेल का पासवर्ड डालने के बाद तुरंत आप साइन इन हो जाइए। साइन इन होने के बाद तुरंत आप ब्लॉगर के एडिट सेक्शन में चले जाएंगे। एडिट सेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो क्रिएट ए न्यू ब्लॉग ऐसा कुछ नाम से आपको एक हो जाएगा, मतलब शो करेगा। तो शो करने के बाद उसी पे आप बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लेआउट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप उस पे चेंज कर सकते हैं अपना वेबसाइट को।
तो क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पे जाके आप खुद का कंटेंट लिखिए। अगर आपको शौक है से मैं यूट्यूब पे नहीं आना चाहता हूँ, मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, खुद का कंटेंट करना चाहता हूँ, खुद का लिखने में माहिर हो आप अगर, तो आप खुद का कंटेंट बनाइए। आप उस पर अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं और बहुत सारे लोग को अगर ये कंटेंट पसंद भी आता है तो आपको वेबसाइट आप अगर ग्रो होता है तो आप उसमें आप बेझिझक पैसा कमा सकते हैं। कैसे वो मैं बताता हूँ। आप जैसे क्रिएट न्यू ब्लॉग पे करते हैं तो आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू माई साइट ऐसा कुछ भी कंटेंट डालिए सबसे पहले। उसके बाद अपना वेबसाइट का पूरा डिटेल में एक वेबसाइट बनाइए। दोस्तों वेबसाइट बनाने के लिए कम से कम आपको 6 से 1 साल लग जाता है, मिनिमम तो 6 मंथ्स लग ही जाते हैं। और वेबसाइट बनाने के बाद अगर 1 महीना में भी अगर आपका पूरा वेबसाइट बन जाता है, 1-2 महीने 3 महीने में भी, तो आप बेझिझक आप एडसेंस का अकाउंट जनरेट करवा लीजिए। एडसेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसपे आप मतलब आप ऐड लगा सकते हैं, किसी का भी एडसेंस का ऐड लगा लीजिए अपने वेबसाइट पे, और उस पर आप मतलब ऐड अगर लगा लिए तो आप पैसा बेझिझक कमा सकते हैं, एकदम आसानी से पैसा आप कमा सकते हैं। तो अगर पैसा एडसेंस का ऐड लगा लेंगे तो आप पैसा कमाने के लिए एकदम रेडी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपका अगर वेबसाइट बनाने हो गया, पूरा आप वेबसाइट बना लिए, अगर 6 महीना हो गया, 6 महीना मिनिमम चाहिए। अगर आपको वेबसाइट को ग्रो करवाना है, एकदम अच्छा वो प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना है, तो आपको 6 से 1 साल चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी में वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये नहीं हो पाएगा, आपको कम से कम मिनिमम 1 महीना तो चाहिए ही होगा। 1-2 दिन का ये खेल नहीं है, 1-2 दिन में आप अगर बना लेंगे कंटेंट इतना जल्दी तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। कम से कम मिनिमम 1 महीना भी चलेगा और मैक्सिमम 1 महीना चलेगा, मिनिमम 6 महीना। 6 महीना आपको लगातार वेबसाइट को बनाना होगा। अगर आप जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं तो 1 से 2 महीना तक आप बनाइए। अगर आप ये पूरा कंटेंट लिख लेते हैं, आप चाहते हैं मेरा वेबसाइट पूरा फिनिश हो गया, मैं पूरा वेबसाइट बनाने के लिए तैयार हूँ, तो आप उसका डोमेन खरीद लीजिए, डोमेन खरीद लीजिए .in, नहीं तो .net, .org, .com, कुछ भी डोमेन खरीद लीजिए। डोमेन खरीदने के बाद आप उसका होस्टिंग खरीदिए, होस्टिंग ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 1800 से 2500 के अंदर में होस्टिंग आपको मिल जाएगा। डोमेन 100 रुपये में GoDaddy से आपको 100 रुपये में डोमेन मिल जाएगा, और GoDaddy से आप होस्टिंग भी खरीद सकते हैं। तो GoDaddy से अगर डोमेन आप खरीदते तो बहुत अच्छी बात है, वो एक अच्छा वेबसाइट है, उस पर अगर आप खरीदते हैं तो आपका वेबसाइट ग्रो हो सकता है। तो ग्रो अगर आप GoDaddy से अगर डोमेन खरीदते हैं तो आपका वेबसाइट बहुत ग्रो होगा। तो दोस्तों GoDaddy से आप डोमेन और होस्टिंग खरीद लीजिए। होस्टिंग का ज़्यादा चार्ज लगता है, होस्टिंग मतलब आपका जैसे कि मोबाइल का एक रैम मान के चलिए, रैम होता है आपके वेबसाइट का, रैम कितना होगा वो आपको होस्टिंग पे पता चलेगा। आपका वेबसाइट पूरा स्पीड पकड़ना चाहिए, उसको होस्टिंग बोलते हैं। तो सपोज रैम होना चाहिए वो, उसको होस्टिंग बोलते हैं। तो रैम मतलब होस्टिंग बहुत महंगा आता है, ज़्यादा भी महंगा नहीं आता है, 2500 से 3000 के अंदर आपको होस्टिंग मिल जाएगा या फिर उससे भी कम मिल जाएगा। और अगर .com अरे डोमेन की बात करें तो डोमेन तो एकदम सस्ता है, 99 रुपीज़ में GoDaddy में आपको मिल जाएगा, और भी दूसरे वेबसाइट में अगर आप लेते हैं तो 200-400 में आपको डोमेन मिल जाएगा। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा से आप GoDaddy से डोमेन लें, क्योंकि GoDaddy से आप अगर डोमेन लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, उस पर आप ले लीजिए। तो दोस्तों डोमेन अगर आप ले लिए, होस्टिंग अगर ले लिए, होस्टिंग और डोमेन के बिना आप ये blogger.com से पैसे कमा सकते हैं, पर उसके लिए आपको आपका एडसेंस अकाउंट होस्टेड होना चाहिए। होस्टेड का मतलब अगर आपका यूट्यूब चैनल भी आप चला रहे हैं, और मतलब यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं एक साइड, और आप उसी ईमेल से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उसी ईमेल से आप वो मतलब ब्लॉगर चला रहे हैं, तो आप उसका वेबसाइट मतलब ग्रो नहीं होगा, आपका ब्लॉगर ब्लॉग में आपका ऐड नहीं आ पाएगा। ऐड लगाने के लिए आपका खुद का हो पाएगा, एक ही ईमेल से हो पाएगा, पर उसके लिए आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। डोमेन खरीद के 100-200 में डोमेन खरीद लीजिए, होस्टिंग 2500 तक 1800 तक खरीद लीजिए, तब जाके आप पैसा कमाने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपका मतलब होस्टेड अकाउंट नहीं है तब आप मतलब फ्री में भी आप ब्लॉगिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग करके। अगर होस्टिंग नहीं है तो अगर होस्टेड प्रोग्राम है, होस्टेड है आपका मतलब ब्लॉग ईमेल अगर होस्टेड है, यूट्यूब से अगर होस्ट है, तो आप पैसे नहीं कमा पाएगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आपका ईमेल यूट्यूब में है, सुन लीजिए ध्यान से, पहले बात यूट्यूब में अगर आपका यूट्यूब में भी आप अगर काम करते हैं, यूट्यूब में वीडियो भी बनाते हैं एक तरह, और दूसरी तरह आप ब्लॉगर में भी काम करते हैं, एक ही ईमेल से दोनों आप काम करते हैं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब में नहीं हैं और मतलब ब्लॉगर ही सिर्फ करना चाहते हैं और एडसेंस का अकाउंट आप लिंक करवाते हैं, तो आप पैसा सिर्फ कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर से, यूट्यूब से नहीं कमाएंगे, यूट्यूब नहीं कमाएंगे।
तो ये होता है पूरा मेथड blogger.com पे, ये होता है मेथड पूरा। तो उस पर आपको कुछ भी नहीं करने का है, सिर्फ आप वेबसाइट बना लिए अपना, मतलब कंटेंट पूरा डाल दीजिए, तो कंटेंट डालने के बाद आपको डोमेन खरीद लीजिए, पूरा हो जाएगा मेथड। तो आपको बस आपका वेबसाइट ग्रो करना है, आप कुछ भी किसी को भी आप ग्रो करने के लिए बोल सकते हैं, यूट्यूब में, ईमेल पे। अगर आपका वेबसाइट बहुत मतलब ग्रो करवाना है एकदम, जैसे कि अमेजोन हो गया, तो फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे ऐसे ग्रो करवाना है, एक एक हर एक जगह पे आपके वेबसाइट का नाम है, तो आप यूट्यूब पे किसी को भी ईमेल करके, जैसे एकदम प्रोफेशनल अगर यूट्यूबर है, एकदम बड़े बड़े यूट्यूबर है, अगर आपका वेबसाइट अगर अच्छा होगा तब जाके उन लोग आपके वेबसाइट को प्रमोट करेंगे। अगर आपका वेबसाइट अच्छा नहीं होगा, एकदम बेकार जैसा वेबसाइट होगा, तो आपका वेबसाइट को कोई भी प्रमोट नहीं करेगा, ये बात ध्यान से रखिए। तो अगर आपका वेबसाइट अच्छा है तो आप प्रमोट यूट्यूब में भी, ईमेल किसी को भी ईमेल पे आप कर सकते हैं, और इंग्लिश में या फिर हिंदी में अपनी लैंग्वेज में आप उसको समझा सकते हैं। खास करके इंग्लिश में समझाइएगा, क्योंकि इंग्लिश का भी बहुत महत्व है। तो इंग्लिश में आप समझाएंगे अगर मतलब किसी को भी यूट्यूबर से, अगर इंग्लिश में आप बताएंगे एकदम, मतलब एकदम जिसका यूट्यूब बहुत ज़्यादा ग्रो है, जो जो सबसे ज़्यादा वीडियोस है उसके पास, और जितना मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उससे आप मतलब ईमेल उसका ले लीजिए, और उससे आप मतलब अपना वेबसाइट को प्रमोट करवाइए। तो उसके लिए आपको जैसे ही प्रमोट करवाते हैं और वो आपका वेबसाइट को प्रमोट कर देगा, सपोज दिस चैनल इज पावर्ड बाई, मतलब आपके वेबसाइट का नाम आ गया, ये सब आ गया, प्रमोट कर दिया, तो आप उसको पैसा दे दीजिए। पैसा देना पड़ेगा आपको उसको, पैसा कोई यूट्यूब वाला पैसा भी लेगा, अगर कोई अगर आपका रिश्तेदार है यूट्यूब में, अगर फ्रेंड है, तो आपका पैसा नहीं भी लेगा, वो मैं शायद नहीं बोल सकता। तो अगर आप रिश्तेदार है आपके यूट्यूब में, तो आप पैसा वो लेगा या नहीं पता, अगर आप यूट्यूब में कोई है प्रमोट करवाना चाहते तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये होता है ब्लॉगिंग। अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बनाना चाहते हैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है 8-10 मिनट का, अगर आपको इससे भी मतलब वीडियो डिटेल में चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए से मेरे को ये पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप या फिर मोबाइल से, तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मैं बता देता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर एक वीडियोस को बनाते रहता हूँ, तो अगर आप जानना चाहते हैं हर एक वीडियोस हमारे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल का इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहिए टेक्नोलॉजी सही।